गाइस आज हम आप सभी लोगों के लिए सावन में जन्मे आपके चांद से बेटे के लिए एकदम अनसुने नाम लेकर आया हूँ। तो आपका फर्स्ट नाम होगा गणा। गणा का अर्थ होगा भगवान शिव, जो बहुत ही छोटा व यूनिक नाम है। नेक्स्ट होगा उग्रेश। उग्रेश का अर्थ होगा भगवान शिव। उसके बाद नेक्स्ट नाम होगा सुयोग। सुयोग का अर्थ होगा अच्छा समय, जो यस लेटर से बहुत ही लेटेस्ट नेम है। नेक्स्ट श्रावण। श्रावण का अर्थ होगा एक हिंदू महीना। उसके बाद नेक्स्ट नाम देखिए बिजिन। बिजिन का अर्थ होगा सूरज, जो बहुत ही अच्छा नाम माना जाता है। नेक्स्ट है जीवेश। जीवेश का अर्थ होगा साहसी, जो बहुत ही अच्छा नाम होता है। नेक्स्ट चयन। चयन का अर्थ होगा चांद। दूसरा अर्थ होगा चुनना। उसके बाद नेक्स्ट नाम है विविध। विविध का अर्थ होगा जान कार। उसके बाद नेक्स्ट नाम होगा सभ्यांत। सभ्यांत का अर्थ होगा भय से रहित। उसके बाद नेक्स्ट नाम होगा आभास। आभास का अर्थ होगा लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट होगा देखिए लायक। लायक का अर्थ होगा सक्षम। उसके बाद नेक्स्ट नाम होगा विभूति। विभूति का अर्थ होगा पवित्र राख। उसके बाद नेक्स्ट नाम होगा भूमित। भूमित का अर्थ होगा दोस्त। उसके बाद नेक्स्ट नाम देखिए आप सभी लोग आमंत। आमंत का अर्थ होगा संवेदनशील। उसके बाद नेक्स्ट नाम होगा परितोष। परितोष का अर्थ होगा संतुष्ट। उसके बाद नेक्स्ट नाम होगा नक्स। नक्स का अर्थ होगा चांद। उसके बाद नेक्स्ट नाम देखिए आप सभी लोग क्या निकल कर आ रहा है उजेश। उजेश का अर्थ होगा जो प्रकाश देता है।